हंसा ऐसो गुरु मत भारी, लखे तिभव में आवत नाही, भव के बहुत बिगारी। शिष्य सिखापन गुरु की माने, गुरु साधुन के आज्ञाकारी। तेई मुक्ति पदारत पावे, यमते रहत निन्यारी। सत्य भेष सत रहन साधु की, सत्य दरस अविकारी। ते अधिकारी गुरु पारक के, निर्जीव धोख निवारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहाँ कबीर पुकारी। सदगुरु कबीर पुकार करके कह रहे हैं, क्या कहते हैं? हंसा ऐसो गुरुमत भारी। हंस, हंस कहा जाता है, हंस एक पक्षी है। वो पक्षी मानसरोवर में रहता है। पक्षी का पहचान क्या है? पहचान बताया गया है, हंस सफेद होता है। सफेद होता है वो हंस है, और हंस का दूसरा लक्षण क्या है? वो मोती चूगता है। मोती, मोती कहाँ होता है? बड़े बड़े सरोवर में बड़े बड़े सीपी होता है, जिसे सुतई कहा जाता है। आप लोग सुतई को देखे हैं, सुतई के आकार उसी प्रकार, लेकिन बड़ा बड़ा सूती सीपी होता है। सीपी में दो खंड, अंदर में वह मोती पकता है, और मोती को ही चुगता है, हंस है। तीसरा लक्षण, हंस है मानसरोवर में रहता है। छोटे मोटे आपके ताल तलैया डबरा खोचका में रहने वाला नहीं है, ताल तलैया में डबरा खोचका में। मानसरोवर बहुत बड़ा झील, जिसे देखोगे तो यहां से वहां तक पानी ही पानी दिखाई देगा। दूर तक कई किलोमीटर तक झील होता है, वहां के पानी एकदम स्वच्छ निर्मल। वहां पर पानी डाल दो, कोई भी चीज डाल दो तो यहां से दिखाई देगा। 5 फुट 60 फुट गहरा है, वो भी दिखाई देगा। सिक्का आप डाल करके देखें, जैसे गंगा के पानी। तुम सीपी हंस है तो ऐसे सरोवर में रह करके मोती चुगता है, ये हंस के लक्षण है। आपके गांव है, ये सेमरिया है। सेमरिया में हजारों की संख्या है नर नारी की, लेकिन कैसे हैं? जैसे खेत में बगुला आकर के कीड़े को चुगता है, कीड़े को चुगता है, बगुला जिसे कुकड़ा भी कहा जाता है, लेकिन उसी गांव में हंस भी होता है। हंस बगुला एक
समान उज्जवल होता है, लेकिन कुछ उसमें विशेषता है। मानसरोवर ये सत्संग है, सत्संग का ओट लेने वाला ही हंस है, और सत्संग का आधार जो नहीं लेता है वो बगुला है, बगुला है। इसलिए हंस के समान यहाँ पर सत्संगी लोग बैठे हैं, सत्संग में मोती चुगने के लिए। मोती कहते हैं मुक्ति को, ये जन्म मरण से बच करके सदा सदा के लिए दुखों से रहित होना है, निर्वाण को पाना है, तो सत्संग का ओट लो, सहारा लो, वही मोती मिलेगा। दूसरे जगह नहीं मिलेगा, मोती है। आप जिंदगी भर पूजा करते रहे तमाम देवी देवताओं की, अपने को जाना नहीं, और बाहर के देवी देवताओं के पूजा करते 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 जिंदगी को खोदोगे, फिर भी नहीं शांति मिलेगी। जड़ के पीछे हम भटक रहे हैं, क्या उसमें प्राण है, आत्मा है? जो हम खिलाना चाहते हैं, लड्डू पेड़ा जलेबी, क्या वो खाता है आपके देवी और देवता? केवल चढ़ाया जाता है, लौटा करके स्वयं खाया जाता है, पूरा के पूरा। एक बार सदगुरु श्री अभिलाष साहेब के साथ में गुजरात गया था, बहुत पुरानी घटना है। तो गुजरात में साहेब का एक शिष्य थी महिला, लेकिन पुराने जो रूढ़िवादी है उसको नहीं छोड़ पाई थी। तो एक मंदिर के आकार में, अपने घर में मंदिर बनाया था, उसमें सदगुरु कबीर साहब के प्रतिमा रखे थे। एक तरफ सदगुरु श्री अभिलाष साहब उनके गुरु थे, उनके प्रतिमा रखे थे। तीसरे तरफ अपने पति के, जो उसके पति स्वर्ग सिधार गए थे, उनके प्रतिमा रखे थे। तीन प्रतिमा थी और छोटा छोटा तमाम देवी देवताओं के। मैं भोजन बनाया, माता ने कहा साहेब जी जब भोजन तैयार हो जाए, एक थाल में सारी जो जी बना है सबको रख देना, मैं भोग लगाऊंगी करके। मैं भोग लगाऊंगी, उनको दे दिया गया। वो थाल में भोजन है, ले जाकर के उसी में अंदर में मंदिर के अंदर में रख दिए। लोटा गिलास में पानी रख दिए और उन्होंने कहती थी खा जा खा जा खा जा, पर्दा गिरा दिए। कुछ देर के बाद फिर जाती है, फिर आंसू बहाते हुए कहती खा जा खा जा। फिर कुछ देर के बाद में फिर आंसू बहाते हुए फिर जाती, देखती ये जरा भी खाया नहीं। उन्होंने हमारे पास आकर के कहा कि साहेब जी जरा भी नहीं खाती है, मेरे भगवान हैं, आप बताइए जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिस देवी देवताओं की, गुरु का ही है, सदगुरु कबीर हो, चाहे अपने वर्तमान के गुरु हो, चाहे वर्तमान के ये पति के प्रतिमा हो, क्या वो खाएगा, प्रतिमा खाएगा?
प्रतिमा आकृति होते है, प्रकृति नहीं उसमें, प्रकृति नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है, जड़ शरीर है। उस जड़ शरीर को ही ले जा करके शमशान में जलाते हैं या दफना देते हैं, गाड़ देते हैं। क्यों गाड़ते हैं? सब चीज है, शरीर का सर्वांग है, लेकिन आत्मा नहीं है, चेतन नहीं है। तो उस शरीर को कोई रखना भी नहीं चाहेगा। अंतिम में हार करके कितना भी मोही पति हो, पत्नी हो, माँ हो, अंतिम में कहेगा ले जाओ, इसका दाह संस्कार करो। कब तक रोएगा, कब तक रखेगा? अंतिम में दाह संस्कार। जब तक चेतन आत्मा है, खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, सारा क्या व्यवहार करता है। इसलिए सच्चा देवी देवता कौन है? ये प्राणी जगत है, माता पिता है, दादी दादा है, परिवार के सारे सदस्य है, उनके साथ सुंदर व्यवहार होना चाहिए। और सच्चा देवी देवता जैसे ये मानसरोवर सत्संग है, वहां पर मोती किसके द्वारा मिलेगा? सीपी में ये संत गुरुजन आए हैं जिन्होंने अपने को तराश चुके हैं, मोह माया से ऊपर उठा चुके हैं। जो ऊपर उठा चुके हैं वही है हमें भव सागर से ऊपर उठने के लिए बताते हैं, ऊपर उठने के लिए बताते हैं कि संसार के मोह ममता को त्यागोगे तभी मुक्ति मिलेगी। अब मोह ममता में पड़े रहो तो कभी नहीं मुक्ति मिलने वाली है। तीस प्रकार से सदगुरु कबीर का जो मत है, मत कहते हैं सिद्धांत को, तो कौन से सिद्धांत है सदगुरु कबीर का? जीव सिद्धांत। जो जानो जीवापना करहु जीव को सार, जीरा ऐसा पाहु ना मिले न दूजी बार। जीव ऐसा पहुना है इस शरीर के लिए, एक बार निकल गया, दूसरा बार लाख कोशिश करोगे दोबारा आएगा नहीं। चाहे किसी का भी शरीर हो जिसे हम माने हैं कि मेरा माता है, पिता है, दादी दादा है, पति पत्नी, बेटी बेटा है, एक बार तो और बोल लेती, जाग जती। लेकिन हंस एक बार निकल गया, चेतन जीव है, वो दोबारा लौट करके आता नहीं। इस शरीर ऐसा शरीर है, तो इस शरीर का ही प्रतिमा आप लोग, हम लोग पूजते हैं, प्रतिमा बना करके, चित्र बना करके, चाहे वो कागज का चित्र हो, चाहे अष्ट धातुओं का चित्र हो, चित्र तो चित्र है। अब चित्र कैसा है? ठीक है, ये शरीर है आकृति पांच तत्वों का, वो निकल गया आत्मा, तो शरीर को जलाना गाड़ना है। लेकिन चित्र मूर्ति जो बनाया गया है उसमें भी आत्मा नहीं है, जीव चेतन नहीं है। कैसे? जैसे एक उदाहरण के माध्यम, थोड़े दिन के बाद में अब कौन सा पक्ष आएगा? एक गणेश पक्ष है, अब थोड़े दिन बाद पीतर पक्ष आएगा, पीतर पक्ष के समाप्ति में दुर्गा पक्ष आएगा। तो एक गांव में दुर्गा बड़ा ही भव्य बनाया था और खूब सजाया था, और दुर्गा के पूजा रात्रि में सुबह और शाम होता था, और दुर्गा के रखवारी में, चौकीदारी में दो आदमी रात भर सोता था। तो उसी समय उस दुर्गा के जहां पर बैठाले थे ना, वहां पर अगरबत्ती जलाए थे, अगरबत्ती जलाए थे, और वो अगरबत्ती का जो काड़ी है टूट गया, तो टूटा तो दोनों सिरा पकड़ लिया, दोनों सिरा पकड़ा तो ज्यादा आग हो गया, तो जलने शुरू हो गया।
जैसे जला तो वहां पर दुर्गा के पास में जो कपड़ा वगैरह बिछा था, गद्दा वगैरह, जलने लगा। तो ऐसा जलने लगा कि दुर्गा भी जल गई। जो सोया हुआ चौकीदार आदमी था वह जब गर्म हुआ तो तुरंत अपने को बचाने के लिए भागा। लेकिन जो देवी देवता हमारा रक्षा करेगा, ऐसा सोचा वो खुद ही जल गया जिसके पूजा किया गया। बताइए, और जो चेतन जीव जिस शरीर में था चौकीदार के, वो भाग गया। तो इस प्रकार से असली देवी देवता है वह भाग निकलता है। जो नकली होता है, जिसके हम पूजा करते हैं, वो नकली है। पूजा करने वाला ही असली है। तो इस प्रकार से सद्गुरु ने कहा, जो जानो जीव अपना करहु जीव को सार। ये जीव ही अपना है। जीव निकल गया तो शरीर कुछ भी काम का नहीं है। किसी का भी शरीर हो, कोई काम का नहीं। जब तक जीव है तब तक उससे काम लिया जाता है। और शरीर से जीव निकल गया, निर्जीव हो गया, कोई काम का नहीं। इस प्रकार से सदगुरु ने कहा, हंसा ऐसो गुरु मत भारी। सदगुरु कबीर का मत भारी है, वजनदार है। कौन सा मत? मत कहते सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जीव सिद्धांत, आत्मा सिद्धांत। तो जीव को जानो, आत्मा को जानो। और आत्मा को जब तक नहीं जानोगे तब तक भटकाव से हम बच नहीं सकते हैं। हम भटकाव से बच नहीं सकते किसी हालत में। तो जो जाना, हंसा ऐसो गुरु मत भारी। गुरु का मत भारी है, सिद्धांत भारी है। तीसरा उदाहरण, जैसे कैसे समझे हम हंस का उदाहरण इस प्रकार भारी है। तो जैसे चावल में कंकड़ भी मिला है और जीव जंतु भी, पाई भी हो गया है, पताड़ी भी हो गया है। जब भोजन बनाने खोता है ना, तो सूपा में उसको पछोड़ते हैं, उसमें कंकड़ को बीन बीन के बाहर करते हैं। पाई है और पताड़ी है, उसको भी बीन बीन के बाहर करते हैं। शुद्ध चावल बचता है, उसी को भात बनाया जाता है। उसी प्रकार से हम निर्णय करें कौन सत्य है कौन असत्य है। असत्य को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, और सत्य में हम चित्त को जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं। अभी हमारे आश्रम में 4-6 दिन तक सत्संग चल रहा था। सकरी में एक लड़का आता था सेमरिया, वहां से कनकी से। कल उन्होंने कहने लगा, और वो कट्टर सदगुरु कबीर के प्रतिमा और उसी प्रकार के संतों को मानने वाले थे। तब उन्होंने कहने लगा, मैं बहुत ही भ्रम में पड़ा था, आज मुझे ज्ञान हुआ, असली ज्ञान। मैं कहां कहां भटक रहा था, असत्य को ही सत्य मान करके रात दिन उसी के पीछे लगा रहा। तो कैसे पता चलता है? जब सत्य को हम समझते हैं तभी असत्य को छोड़ना होता है। सत्य को समझेंगे नहीं तब तक असत्य के रास्ता को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जड़ और चेतन है, कैसे मिला हुआ है? जैसे ये शरीर है, जड़ है, जड़ शरीर है, लेकिन मुख बोल रहा है, आंख देख रहा है, कान सुन रहा है। ये भी तो 5 तत्वों का प्रकृति है, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री हैं। तो ये भी तो जल जाता है जब शरीर हंस निकल जाने के बाद। लेकिन आज हंस है तो मुख बोल रहा है, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है। हंस के निकल जाने के बाद ये चेतनवाद भासता है शरीर,
चेतनवत भासता है, जड़ शरीर है, वो जड़ शरीर जड़ ही हो जाता है चेतन के निकल जाने के बाद, आत्मा के निकल जाने के बाद। परखो अच्छी तरह से, जड़ चेतन का निर्णय करो और जड़ का ही, जड़ को त्याग करके चेतन में अपनी आत्मा में चित्त को जोड़ो। चित्त को कहां जोड़ना है? अपनी आत्मा में, अपनी चेतन में। कैसे? जैसे बताया जाता है, अभी बैठे रहो आखिरी में क्यों, जैसे बताया जाता है कि एक लड़की है, लड़की है, बिटिया है, बचपना उसका 2 साल का, 1.5 साल का होता है, तो 1.5-2 साल के जो छोटी सी बेटी है उसको मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ सहारा चाहिए। तो उस लड़की के लिए बाजार से एक प्लास्टिक के अथवा कई तरह से उसके मनोरंजन के लिए खिलौना लाते हैं, तो खिलौना को ही वह अपना पुत्र मानती है, दूध पिलाने का नकल करती है और उसे पति भी मानती है, तो उसको सब कुछ वह बेटी मानती है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ती तो कैसा होता है, जैसे छोटा सा बच्चा है, अबोध बच्चा, अभी साल भर नहीं, माँ के दूध पीता है, माँ काम में लगी है तो बच्चे को दूध पिलाना है तो उबटन करके नहला धुला के पिलाना है, तब तक बच्चा रोता है तो माँ है एक, दोनों तरफ एक गुल्ली होता है माँ के स्तन के समान और बीच में पकड़ने का होता है, तो बच्चा है उसको अपने मुख में ले जाता है और चूसने लगता है माँ के स्तन के समान। जब चूसने लगता है तो वहां से दूध नहीं आता है, थोड़े देर तो भुलाया, लेकिन जब दूध नहीं आया, भूख तो लग रहा है बच्चा को, तो उठा करके उसको फेंक देता है और फेंक करके फिर रोता है, तब माँ समझती इसको भूख ज्यादा जोर है, तुरंत उसको सफाई करके दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो ये बाल्यावस्था का है, बाला नाम को क्वास्टुलोस्टेसिव। लेकिन वही बच्चा जब आगे बढ़ता है तो अपना समकक्ष युवक है, युवती में सुख मिलेगा, युवती है युवक में सुख मिलेगा, अब सुख का आधार खोजता है, उस कागज के, प्लास्टिक के, मिट्टी के, देवी जो प्रतिमा है ना, उसमें सुख नहीं ढूंढता है, सच्चे साथी ढूंढता है, अपने समान ही ढूंढता है। अब उसको ढूंढा तो एक लड़की थी, वो ससुराल जाने लगी। जब ससुराल जाने लगी तब उसके माँ ने कहा कि बेटी ये तुम्हारा बचपना का पति है, उसको भी ले जाओ। तो बेटी है मुस्कुरा करके कहती, माँ क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा, मुझे तब सच्चा पति मिल गया, सच्चा पति मिल गया, इसकी आवश्यकता क्या है, माँ आप भी मजाक करते हैं मेरे साथ। तो सच्चे पति से जब भेंट हो जाता है तो कागज प्लास्टिक के और मिट्टी के लकड़ी के पति है वो क्या समझते, वो बेटी है वो खिलौना था, वो खिलौना था। सच्चे पति मिल गया तो खिलौना को छोड़ देती है, उससे कभी भी प्यार नहीं करती, उसके साथ में सोती है, ना प्यार करती है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सच्चे पति मिल गया। उसी प्रकार से हम जब तक भटकते हैं, कब तक भटकते हैं, जब तक हमें आत्मा का बोध नहीं होता। जैसे लड़की को पति मिल जाता है, लड़का को पत्नी मिल जाता है, उसी में अपना जीवन को रमा देता है, अब इससे बढ़कर के सुख संसार में नहीं मिलेगा।
ऐसे ही हमें आत्म ज्ञानी गुरु जब मिल जाते हैं और आत्मा को लखा देते हैं और आत्मा में हमारा चित्त जुड़ जाता है तो बाहर भटकना बंद हो जाता है। जैसे सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी कहते थे, मेरा बचपना का और जब तक बोध नहीं हुआ था 21 साल के उम्र में घर छोड़ा है, लेकिन 18 साल के पूर्व वह किसके पूजा करते थे? राम और कृष्ण और शिव जी का, तीन का पूजा करते थे, अठोत्री माला जप जाप करते थे, सब काम करते हुए। लेकिन गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा सत्संग हुआ ऐसे मानसरोवर में और सत्य का मोती उसे मिला, जानकारी हुई, तो सब कुछ को त्याग दिए, सब कुछ को त्याग दिए। और सच्चे जो देवी देवता राम कृष्ण बुद्ध महावीर शिव के समान सभी महापुरुषों को उन्होंने मानने लगा। असली को हमें जाना परखना है, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, हंसा ऐसो गुरु मत भारी। सदगुरु कबीर का मत कैसा है? भारी है। भारी कहते महा वजनदार को, महान को। जैसे कोई आदमी है, बाजार गया था, उसके घर में भोज भंडारा होना था, तो पहले के समय है तो बाजार से घी लाना था, घी, घी के हलवा, शुद्ध घी के हलवा बनाना था, तो बाजार से एक मटका मिट्टी के घड़ा में भरा हुआ घी खरीदा और खरीद करके ला रहा था बाजार से। घर के आते तक उसका गर्दन खूब दर्द होने लगा, कमर दर्द होने लगा। उन्होंने सोचा, ये भारी वजन है, भारी वजन है, और इसको बहुत सावधानी से ले जाना पड़ेगा, कहीं गिर गया तो मटका भी फूटा और घी भी बिखर जाएगा। किसी तरह से घर में पहुंचा, जैसे घर में पहुंचा तैसे घर वालों ने कहा, आ दौड़ के जल्दी आ जाओ, मेरा गर्दन टूटा जा रहा है, कमर टूटा जा रहा है, ये घी के घड़ा को उतारो। तो घी के घड़ा को चार आदमी पकड़ करके उतारते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर का जो मत है, सिद्धांत, इतना भारी, इतना वजनदार है, जो सारे मत पंथ को एक तरफ कर देता है। अपने को जानो भाइयों, देवियों, अपने को जानो। जैसे अपने पति को, अपने पत्नी को जब जान लेता है, कहा जाता है शादी जब होती ना तो सात फेरा लगाया जाता है, तो वहां पर जो पुरोहित होते हैं वो कहते हैं, देख ये अग्नि के साक्षी रख करके तुम सात फेरा लगाओ और सात फेरा में ये संकल्प लो कि ये पति के अलावा अथवा ये पत्नी के अलावा मेरे संसार में, पत्नी के लिए अलावा संसार में जितने भी नारियां हैं, माँ बहन और बेटी के समान हैं। और पुत्र से कहा जाता, देख इस नारी के पुत्र से कहा जाता है, इसके अलावा माँ बहन और बेटी की समान है। और लड़की को कहा जाता है, जिस पति के साथ में फेरा लगा रही हो उस पति के अलावा संसार के समस्त पुरुषों को पिता, पुत्र और भाई समझना, और इसी भावना को लेकर के साथ फेरा लगाओ। सात फेरा लगाया गया है, लेकिन अब सात फेरा लगाने के बाद उसका चित्त उस पत्नी में जुड़ गया, पत्नी का चित्त है पति में जुड़ गया। जब जुड़ जाता है, एक दूसरे में समर्पित हो गया, एक दूसरे में समर्पित हो गया, और समर्पित हो करके कैसा जीवन जीना चाहिए, कुछ उदाहरण हैं इतिहास के पन्नों में। जैसे कहा जाता है, मां सीता भगवान राम में कैसे समर्पित हो गई, राजकन्या, राज रानी होकर के
भगवान राम का वनवास हुआ था, लेकिन माँ सीता उनके कदम में कदम मिलाते हुए जाने को तैयार होगी और चल भी दिए राज सुख को छोड़ करके, राज सुख को छोड़ के। इस प्रकार से पति में समर्पित होने की आवश्यकता है और पति को उसी प्रकार से जब सीता का हरण हो गया जंगल में, तो राम एकदम सीता के लिए बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब बैठ जाएं। तो इस प्रकार से जैसे राम है और सीता एक दूसरे में समर्पित होकर के जीवन जिए, उसी प्रकार से हम सब गृहस्थ आश्रम में रहें तो एक दूसरे में समर्पित होकर के। लेकिन गृहस्थ से भी ऊपर उठना चाहते हैं। एक लड़की है, कबीर पंथी है, सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों के अनुसार उनके सास ससुर भी चलते हैं, सब पूरा परिवार, लेकिन लड़की भी दीक्षा ले ली है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो लड़की अपने कुरिया के अंदर में शिव जी का मूर्ति रखी, उसका भी पूजा करती है, नहा करके आकर के तुलसी चौरा में भी पूजा करती है, तालाब में मंदिर है, घर में स्नान करती है, बाल्टी में पानी लेकर के वहां जाती है मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो बोध कहाँ है? बोध कहाँ है? गुरु का बोध नहीं हो पाया, इसलिए गुरु का जो बोध है, हंसा ऐसो गुरु मत भारी, सदगुरु का मीर कबीर का मत भारी है, वजनदार है, जो लखेत भाव में आवत ना है। जो लख लेगा जीव सिद्धांत को, परख लेगा, वो फिर से संसार में आएगा नहीं, जन्म मरण के प्रवाह से ऊपर उठ जाएगा। और उसी के लिए इस सत्संग की आवश्यकता है, जड़ चेतन की, बंध मोक्ष की, एक एक चीज को परखने की आवश्यकता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, किसके हम पीछे लगे हैं रात दिन। जिसके पीछे लगे हैं वह सदा के लिए छूटने वाला है, और जिसके पीछे नहीं लगे हैं वही अपना है। इसलिए अपने में लगें और अपने को जाने, और जानेंगे नहीं तब तक पर के आसक्ति, पर के प्रेम है, वह छूट नहीं सकता है। मैं अपने वाणी को विराम दूंगा।